दस्तानी अब शनिवार वाड़े में नहीं रहेगी, बल्कि कोथरूड के वाड़े में रहेगी। इस साम्राज्य में इस मस्तानी के लिए कोई जगह नहीं होगी, कभी नहीं। सूर्या जी, मोहर लेकर आओ। आओ, बात समझने की कोशिश करिए। सूर्या जी, मोहर लेकर आओ। सुना नहीं तुमने? मैं अब भी यहां का पेशवा हूं, जल्दी लेकर आओ। ये लीजिए, आई हो गया फैसला। ये आप क्या कर रहे हैं? लोग जो चाहे कहे, उनका यह जानना जरूरी है कि बाजीराव ने मस्तानी को यहां दिल बहलाने के लिए नहीं लाया। ससमा स्वीकार कर लीजिए ना मस्तानी को, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो यहाँ वाड़े में रहेगी, लेकिन वो अभी रह ही रही है। बात इतनी सी नहीं है काशी, काशी भाई का स्थान हमेशा मस्तानी से ऊपर होना चाहिए। तुम दोनों समान नहीं हो सकती। यह हमारा शनिवार वाड़ा है, पेशवाओं का जीता जागता इतिहास, यहाँ की गद्दी का पूरा साम्राज्य सम्मान करता है। यहाँ की गद्दी पर जो बैठता है वही पेशवा है और वही पेशवा रहेगा। आगे चलकर नाना साहेब इस पर बैठेंगे, इसलिए इस पूरे वाड़े का नियंत्रण हमारे हाथ में होना आवश्यक है। लेकिन बाजीराव, उनका क्या? वो तो हाथ से छूटते जा रहे हैं। बाजी, क्या आप सच में हमें कोथरूड के वाड़े में रखने वाले हैं? और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास, सारी कोशिशें कर चुका हूं मैं, थक चुका हूं। पर हम तो नहीं थके बाजी, हम यहाँ आपको सबसे अलग करने नहीं आए, और अगर करना ही होता तो हम बुंदेलखंड चले जाते। लेकिन यहाँ पुणे में रहकर हम सबके साथ रहना चाहते हैं, सबके बीच। हमें कोशिश करनी चाहिए। बुंदेलखंड जाने का तो सवाल ही नहीं बनता, मुझे इसी मिट्टी में जीना है और यहीं पर मरना है। फिर भी अगर तुम्हें कोशिश करना है तो तुम कर सकती हो, लेकिन इन लोगों के साथ जीत की कोशिश भी बेकार है। तो बेहतर यही होगा कि तुम कोथरूड में रहो, ताकि तुम मेरे पास भी रहोगी और हम दोनों को ये मिट्टी छोड़नी भी नहीं पड़ेगी। जी, आपने हमें कोथरूड के वाड़े में रहने की अनुमति दी, हमें बहुत अच्छा लगा। चाहते तो हम भी यही थे, मगर कभी कह नहीं सके आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी। क्या हुआ इसे? पता नहीं क्या हुआ, अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, ना सासू माँ के पास जा रहे हैं ना किसी और के पास। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो सोचा आपको बुला ले। आप एक बार चुप हो गया। लगता है अपने बाबा के लिए ही रो रहा था। मैं अपने बाबा को पहचानता है। खैर लाइए।
दे दीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए आदत लग जाए इसे आपकी। आप कहाँ हर समय कोथरूडवाड़े से यहाँ आ पाएंगे? मुझे माफ करना काशी, तुमसे पूछे बिना इतनी बड़ी घोषणा कर दी मैंने। कोई बात नहीं, अब तो आदत डालनी होगी। आपने जो हमें 7 वचन दिए थे वो तो लगभग आपने पूरे तोड़ ही दिए। हम ही हैं जिन्होंने ये वचन पकड़ कर रखे। हाँ, लेकिन कम से कम एक वचन तो आप निभा सकते हैं अब से, अगर हो सके तो। हमसे विचार विमर्श करके निर्णय लीजिएगा। कैसे करता मैं? उस रात तुम, हमने आपको हमारे कक्ष से निकाला है बाजीराव, हमारी जिंदगी से नहीं। अंधेरी रात में ना सही, दिन के उजाले में हम साथ रह सकते हैं। साधु भी तो आधा हो गया ना काशी, बाजीराव भी तो हमारे पूरे नहीं रहे। बाजीराव मत कहो, चुपता है। हमें भी चुपता है। जब हम वाड़े में आप दोनों को दिन रात एक साथ देखते हैं, लेकिन क्या करें, अब तो ऐसा लगता है जैसे हम केवल आपके मित्र हैं, आपकी पत्नी हैं, आपकी शुभ चिंतक हैं, प्रेमिका बनने का कभी मौका ही नहीं मिला। क्या करते, जिम्मेदारियां जो इतनी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि प्रेमिका भी बन ही जाना चाहिए था। कम से कम हमारे खजाने पर धाका तो नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है काशी, तुमसे अच्छा साथ कोई हो ही नहीं सकता। पर मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा दिल दुखा है और मस्तानी को कोथरूड के वाड़े में रहने की घोषणा कर दी। आज तक तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं किया है काशी। छे छे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो सब कुछ यही है, शनिवार वाड़ा, जहां काशी अपने राऊ के साथ आई थी, उनका हाथ पकड़कर। यहाँ के पत्थर हमने भले ही ना लगाए हों, लेकिन